आइए अब हम बात करते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के बारे में। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? T3 टाइमिंग साइकिल में अगर जब हम डिकोडिंग प्रोसेस में D7 को चेक करते हैं, D7 अगर 1 हो, यानी कि इस डिकोडर का D7 आउटपुट 1 हो, ये 1 कब होगा? जब बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 1 होंगी, और ये बिट नंबर 15 जो आई है, मोड सिलेक्शन बिट जिसे हम कहते हैं, ये 0 हो, तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होता है। इसी को यहां पे दिखाया गया है। D7 जो हाई है और आई डैश मतलब आई कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट यानी 0 है, और T3 टाइमिंग साइकिल में D7 1 है और आई की वैल्यू 0 है, तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। अब इंस्ट्रक्शन कोड की ये ऑपकोड की चारों बिट तो इसी बात को डिसाइड करने में चली गई कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो जितने भी मेमोरी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, कौन सा वाला रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इस वक्त एग्जीक्यूट करना है, ये कैसे पता लगेगा? अब चूंकि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है और तो इसलिए मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है, तो ये मेमोरी का एड्रेस यहां पे स्टोर किया जाता है एड्रेस पार्ट में, ये वाली बिट्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कौन से हैं, ये इन बिट्स को देख के पता लगाया जा सकता है। तो इस टेबल में आप 12 अलग अलग रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। ये 12 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, ये जो 12 बिट्स हैं एड्रेस रजिस्टर की, इसकी अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से ये डिसाइड किए जाते हैं। और क्लियरली अगर देखना चाहें तो ये 12 बिट्स हैं 0 से लेकर 11 तक। अगर ये वाली बिट 1 हुई, बाकी सारी 0 हुई, तो यह है B0। ये सारी 0 हुई सिवाय इस पोजीशन के, ये 1 है, तो यह है B1। इसी प्रकार ये वाली पोजीशन की बिट अगर 1 है और बाकी सारी 0 है, तो ये B2 हुआ। इस तरह से ये B0 से लेकर B11 अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां बन रहे हैं, 12 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं B0 से लेकर B11 तक ये 12 कॉम्बिनेशन है। ये सारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन T3 क्लॉक साइकिल में ही एग्जीक्यूट होते हैं, और ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा ही तभी जब ये D7 बिट सेट होगी, हाई होगी, और ये मोड सिलेक्शन बिट आई, ये 0 होगी, राइट? और कौन से टाइमिंग साइकिल में? T3 में। तो कोई भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ये कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, तभी वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। तो इसी को बार बार हमने ना लिखते हुए इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने R से डिनोट किया है। R मतलब, R को हमने डिनोट किया है D7, D7 बिट जब हाई होगी तभी, और I जब कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट में होगा 0 होगा, और T3 क्लॉक पल्स के टाइम पे ही ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा, इससे पता लगेगा जब ये तीनों कॉम्बिनेशन सेट होंगे। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पे स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? और ये B0 से B11 में पहले आपको बता चुका हूं। तो इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यहां पे इस टेबल में दर्शाए गए हैं। अगर अब आप इंस्ट्रक्शन सेट की टेबल को देखेंगे जो हमने पहले डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में, तो आप देखेंगे जितने भी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो 7 से शुरू हो रहे हैं, राइट? और यही इस टेबल में दिखाए गए हैं। यहां पर ये टेबल जो है, यही ये 12 इंस्ट्रक्शंस हैं, यही 12 इंस्ट्रक्शंस। तो पहला इंस्ट्रक्शन है CLE, राइट? ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है CLE, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा टेबल में यहाँ पे और यहाँ पे दिखाने में अलग अलग है, अलग अलग ऑर्डर में है, लेकिन इंस्ट्रक्शन वही है।
तो मान लीजिए सी एल ए जो है पहला इंस्ट्रक्शन है, सी एल ए पहला इंस्ट्रक्शन है, इसका हेक्साडेसिमल कोड है 7800। आइए हम देखते हैं आप इंस्ट्रक्शन कोड को। ये इंस्ट्रक्शन कोड की 16 बिट्स है। रजिस्टर रेफरेंस, ये इंस्ट्रक्शन कोड की ऑप कोड बिट है, ये मोड सिलेक्शन बिट है। तो ये 111 बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 111 है। तो यानी कि ये या तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, यानी D7 इज हाई और जो मोड सिलेक्शन है I इज इक्वल टू 0 है। तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए इस इंस्ट्रक्शन कोड की ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 7 है। और हमने यहां आपको बताया कि ये जो इंस्ट्रक्शन कोड की 12 बिट्स बची हुई है एड्रेस पार्ट की, ये बताती हैं कि कौन सा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो ये यहां पे लिखा है B11, यानी कि इंस्ट्रक्शन कोड की 11th बिट, ये B11 ये हाई है, बाकी सारी जीरो हैं। तो ये जब वन होगी और बाकी सब जीरो होंगी तो ये वाला हेक्साडेसिमल 4 बिट का कॉम्बिनेशन 8 होगा, बाकी ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो यही यहां पर दर्शाया गया है CLA 7800 क्लियर AC, यानी कि अगर यहां डिकोडिंग प्रोसेस में ये D7 1 हो और I 0 हो और बाकी यहां पे B11 सेट हो, B11 बिट सेट हो, ये हमने यहां पे इसका कॉम्बिनेशन R से दर्शाया गया है, यानी R B11 हो, तो ये क्या कर रहा है, क्लियर AC। क्लियर AC मतलब कॉम्प्लीमेंट AC, यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्लियर कर दे रहा है। तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है, तो ये भी एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो आप इस टेबल पर देख सकते हैं जो शुरू के 7 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे के सारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉरी सारे 12 बिट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, लेकिन शुरू के 7 क्या कर रहे हैं, सबसे पहला क्या कर रहा है, क्लियर AC एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्लियर कर दे रहा है। क्लियर E, जो E बिट है, यहां पे आप अगर दोबारा 16 बिट कॉमन बस का आर्किटेक्चर देखेंगे, ये E बिट है, आपको याद आया होगा, ये क्या होता है, कैरी बिट है। ये कब सेट होती है, जब जो एडिशन यहां पर परफॉर्म किया आपने उसमें कैरी जनरेट होता है। तो इस बिट को अगर आपने क्लियर करना है तो ये वाला रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज होगा, CLE और 7400 इसका कोड होगा, राइट। और ये 7400 होगा कब, जब ये वाली बिट 0 हो जाएगी और ये बिट 1 हो जाएगी, राइट। और ये कब होगा, तो यहां पे क्या होगा, R B 10, देखिए 10th बिट 1 है, तो यहां पे R B 10 लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। तो ये है कॉम्प्लीमेंट AC, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर दो। फिर CME कॉम्प्लीमेंट E, वो ई बिट जो थी यहां पर हमने बात की थी, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दे रही है, यहां पर क्लियर कर रही है, कोई भी स्टेट हो उसको जीरो कर देगी। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो उसी प्रकार देखिए यहां पे ये वैल्यू बदलती जा रही है। CIR सर्कुलर राइट AC एंड E, यानी कि शिफ्ट ऑपरेशन कर रहा है एक्यूमुलेटर और E, जो कि E 1 बिट फ्लिप फ्लॉप है उसके कंटेंट को। इसी तरीके से सर्कुलेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर और E के कंटेंट को। ये इंक्रीमेंट AC एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 शुरू के 7 ऑपरेशंस ये हैं।
यहाँ पे आप फिर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये चार इंस्ट्रक्शन है ये स्किप इंस्ट्रक्शन है। स्किप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये कोई भी जैसे कि मेमोरी में हमने पहले डिस्कस किया जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। तो अगर पांचवी लाइन में कोई इंस्ट्रक्शन है जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है तो नेक्स्ट फेज में जो सिक्स लाइन नंबर में इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए नॉर्मली। तो अगर पांचवी लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दो और ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो भी यहां पे कंडीशन दी हुई है तो वो इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दे, यानी कि पांचवा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है तो छठा ना करके सातवां इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे। तो एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, अगर जो कंडीशन दी हुई है ये ट्रू होती है तो एक इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए। तो ये होता कैसे है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए प्रोग्राम काउंटर होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यही होता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो क्या करता है, जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को स्टोर करता है। जब हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है इसमें सबसे पहले क्या हुआ, आपने इनिशियली जो इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दिया और सीक्वेंस काउंटर को जीरो कर दिया यानी रीसेट कर दिया। फिर ये प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर किया और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच किया और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दिया, राइट। अभी अपडेट हो गया, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ और फेच हो गया। तो यानी कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिस वक्त पहला इंस्ट्रक्शन लोड हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दिया आपने और क्या हुआ, जो नेक्स्ट सीक्वेंशियल लोकेशन है उसका एड्रेस आ गया प्रोग्राम काउंटर में, जो कि जहां से आपने नया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट उठाना है। तो अगर आप यहां पे इसको एक बार इंक्रीमेंट ना करके दो बार इंक्रीमेंट कर दो, तो अगर पहली लाइन में कोई प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहां पे इस स्टेज में प्रोग्राम काउंटर इनिशियली पहली लाइन पहली लोकेशन को उसने स्टोर किया था, यहां पे वो लोकेशन हो गई लोकेशन नंबर टू। और अगर इसी इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान आप किसी भी स्टेट में यहां पे आके T3 में आके इसे एक बार और इंक्रीमेंट कर दो तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट क्या हो गए, लोकेशन नंबर थ्री। अब जब ये टी सीक्वेंस काउंटर जीरो होगा तो फिर से T0 जब यहां पे साइकिल T0 साइकिल होगा तो यहां पे ये प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट फिर एड्रेस रजिस्टर में गए। अब क्योंकि यहां पे इसको दो बार इंक्रीमेंट कर दिया गया है तो यहां पे एड्रेस नंबर थ्री था वो चला गया यहां पे, तो यानी लोकेशन नंबर वन के बाद लोकेशन नंबर टू के कंटेंट एग्जीक्यूट ना होके थ्री के कंटेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो इसका मतलब जो लोकेशन नंबर टू पे इंस्ट्रक्शन था वो स्किप हो गया, यही हुआ। ये कैसे हुआ, अगर हम आप प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को दो बार इंक्रीमेंट कर दें, तो एक बार इंक्रीमेंट यहां हो चुका है और एक बार आप यहां T3 में कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जा रहा है। तो यही यहां पर हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन में भी दिखाते हैं आपको, यहां पर आप देख रहे हैं स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ AC इज पॉजिटिव, ये SPA है और 7010 इसका हेक्साडेसिमल कोड है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि स्किप वन इंस्ट्रक्शन इफ AC इज पॉजिटिव। AC इज पॉजिटिव, अगर आपने पहले बाइनरी लॉजिक पढ़ा होगा तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपकी साइन बिट होती है, तो यानी कि एक्यूमुलेटर की जो 15 बिट है उसको हम चेक करेंगे, अगर वो जीरो हो तो स्किप करना है एक इंस्ट्रक्शन। स्किप कब होगा, जब प्रोग्राम काउंटर को आप T3 साइकिल पे एक बार और इंक्रीमेंट कर दोगे। तो यही यहां पे किया है, आप अगर इसको गौर से देखें क्या हुआ है, एक्यूमुलेटर की 15 बिट को चेक किया है, इफ एक्यूमुलेटर की जो 15 बिट है वो जीरो हो तो प्रोग्राम काउंटर को यहां पे T3 क्लॉक साइकिल पे एक बार और इंक्रीमेंट कर दो। एक बार तो पहले इंक्रीमेंट हो चुका है T1 पर, तो एक बार और इंक्रीमेंट हो गया तो अब ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे और कंडीशंस दी हुई हैं, राइट। और कंडीशंस कौन सी दी हुई हैं, स्किप इफ स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ AC इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब एक्यूमुलेटर की हम 15 बिट को चेक करेंगे, 15 बिट हमने चेक की, यहां पे आप देख पा रहे हैं अगर वो 1 है तो ये नंबर नेगेटिव है, तो फिर उसने PC प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को एक बार और इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट स्किप इंस्ट्रक्शन इफ AC इज जीरो, अगर एक्यूमुलेटर के सारे
कंटेंट जो है जीरो है। जीरो कब होंगे, जब एक्यूमुलेटर के बिट नंबर जीरो से लेकर बिट नंबर 11 तक सारे कंटेंट जीरो हो तो वो स्किप कर दे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो स्किप करे, नहीं तो ना करे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। तो आप यहां देख पा रहे हैं यही इसने लिखा हुआ है, इफ ए सी के कंटेंट सारे जीरो है तो पीसी को इंक्रीमेंट कर दो। इसी तरीके से इफ ए जीरो इज साइन कैरी बिट, अगर एडिशन कोई इससे पहले एडिशन ऑपरेशन हुआ है उसमें कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करना है। अगर ये कैरी जनरेट नहीं हुआ है, अगर ये बिट जीरो है तो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि स्किप इंस्ट्रक्शन। अगर ये वन है तो ये कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये सारे चार ये चारों कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। और लास्ट इंस्ट्रक्शन है हॉल्ट। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लास्ट में लिखा जाता है, जो कि ये बताता है कि प्रोग्राम यहां पर टर्मिनेट हो गया है। जैसे ही हम इस एस स्टार्ट स्टॉप फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करते हैं तो आपका जो सीक्वेंस काउंटर है वो काउंट करना बंद कर देता है। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, हॉल्ट कर दे रहा है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। आप और अगर आप प्रोग्राम के ऑपरेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं तो फिर ये स्टार्ट स्टॉप बिट को आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा इस लेक्चर में कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।